प्रियंका, अंकित और साजिद खान दिखे एक साथ, तीनों ने की एक साथ पार्टी। देखिए मीडिया से क्या की बातचीत। आपके एकदम सेंटर, राइट, एकदम सेंटर। यहाँ पे आपके सेंटर, लेफ्ट, ऑल द लुक सेंटर, सेंटर अप, सेंटर अप, सेंटर अप। हम दोनों का सोलो। प्रियंका मैम सामने देखो, थोड़ा टर्न हो जाओ मेरे से। मैम सारे सेट आ गया, बहुत बढ़िया। सेंटर रहेंगे दोनों, सेंटर पिक्चर करने हैं। ऊपर ऊपर ऊपर, सेंटर आपके, सेंटर 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 अप। मैम आप एकदम सेंटर, थोड़ा सा लेफ्ट, लेफ्ट आपके, लेफ्ट प्रियंका, आपके प्रियंका मैम थर्ड ऑन। नाइस लुकिंग इन पिंक ड्रेस, थैंक यू। बस बोलना था गीत भाई, गीत भाई आ जाओ आ जाओ। ये वीरन के बंदे से मैं बात कर रही हूं। गीत भाई राइट राइट, थैंक यू। साजिद सर आपका भी सुनो। अरे मैं यार बाहर जब मिलेंगे तो मिलेंगे। ये जब से घर से निकला, ये घर से ना आप जाके, मैं पहली बार बॉम्बे आया हूँ, पहली बार ये मुंबई आया, तो आज हमारा वादा था एक दूसरे को मिलना, हम एक कॉमन फ्रेंड यहाँ पे मिल रहे हैं, और अच्छा लगा प्रियंका से बात होती है। यहाँ अंकित से, जबकि जब मेरा घर से एग्जिट हुआ था तो ऑलमोस्ट डेली बात होती थी हमारी, बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अंकित कैसा लग रहा है मुंबई आके? ओ फील्स लाइक होम। और मुझसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है यार। ऑफ कोर्स बॉम्बे इज हैज बीन माय होम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई मिस बॉम्बे। मैं ये भी नहीं बोल सकती कम बैक सून, बिकॉज़ आई रियली वांट हिम टू डू लाइक, इसका सीरियल अच्छा चले, अभी अच्छा काम करे, बट आई विल कीप कमिंग। लेकिन देखिए सॉरी, ये एक चीज़ तो ऑलमोस्ट प्रूव हो जाती है कि जो दोस्तियां घर के अंदर होती थी वो सिर्फ कैमरा के लिए नहीं होती थी, वो बाहर भी हमने मेंटेन की है, इसलिए नहीं क्योंकि मेंटेन करना जरूरी, इसलिए क्योंकि हम जेन्युइनली जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उन्हीं के साथ दोस्त रह सकते हो, दोस्त बने। तो आई एम सो हैप्पी टू सी हिम। फिर साथ ही आज मुंबई आए तो क्या कुछ एंजॉय किया? सबसे पहले प्रियंका अंकित, अभी तक तो अभी तक तो ये सब दोस्तों से मिल रहा है, क्योंकि ये भी एक दो दिन के लिए आया है, तो ही इज़ मीटिंग एवरीबॉडी। फाइनली साजिद जी से भी इसकी मुलाकात हो गई, तो अभी तक हमने कुछ ज़्यादा नहीं, बस लंच करके आए थे, वही एंजॉय किया। हाँ, बट लंच करने गए कितने बजे? लंच करने ये लोग 5 बजे गए, ये अंकित का क्योंकि हम लेट हो गए थे। टेबल है ये, अभी तो छुट्टियों पे हो ना आज दो दिन, तो वो टाइम छुट्टियों बजे करता है, छुट्टियों का टाइम टेबल है। वेल, अगर साजिद सर जैसे कि कहा कि हीरो हीरोइन है और साथ ही डायरेक्टर भी, अगर कोई मूवी बनाने का मौका मिलेगा तो किस तरीके की? ऑफकोर्स व्हाई नॉट, अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट। आशिकी 4 सर, आशिकी 4, आशिकी 4 हो रही है, तुझे तो ले लेंगे, मुझे कौन लेगा? राइट। वेल, साथ ही अंकित आपका तो सीरियल बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला बहुत ही अच्छा चल रहा है? बड़ा अच्छा चल रहा है, आई विल लाइक दिस। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रियंका को लोग देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, खतरों आ रहा है, बहुत सारे प्रेडिक्ट हो रहे कि प्रियंका इस बार आने वाली है, आप क्या कहना चाहोगे? प्रियंका को देखना चाहते हो? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनको प्रिडिक्शन ही रहने दो, और व्हाटएवर शी विल डिसाइड, व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, आई एम श्योर शी विल डू विद अ बैंग, और बहुत जल्दी बहुत ही कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन हम हमेशा देखते थे बिग बॉस के घर में आप कुछ ना कुछ सलाह देते ही रहते थे, प्रियंका आपको देते वो सलाह सिर्फ मुझे ऐसे अकेले में समझाता था, वो सलाह प्राइवेट है ना, तो बिग बॉस के घर में कौन किसको सलाह नहीं देता था? एग्जैक्टली, किसी को सलाह ही तो देते, हम दोनों बात नहीं कर रहे होते थे फिर भी हमारी सलाहें, हां सलाह तो चलती जारी रहती थी। अगर शो, अगर कोई देखना चाहते हो प्रियंका को अगर कोई शो में, तो किस तरीके का शो होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए? वो किस तरह का शो तुम करना चाहते हो? कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, जो मुझे उतना अट्रैक्ट कर सके। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर समथिंग लाइक यू नो
हाई एक्शन ड्रामा, हाँ मतलब काइंड ऑफ वेरी ऐसा कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए और वेरी वो शो करना चाहते जिसमें टीआरपी सबसे मैक्सिमम हो। यस और मेबी टुगेदर अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी। नो